जिसको तारीफ़ करने वालों की तारीफ बयान नहीं कर सकती है वो जिसके आगे उम्मीदवारों की उम्मीद नहीं जा सकती क्योंकि उसके अलावा कोई हाजत रवा ही नहीं है वो जो नेकी करने करने वालों के सवाब को ज़ाये नहीं करता है वो जो इबादत करने वालों के खौफ की हद है ऐ जो परहेजगारों के डर की इंतहा है ये उस शख्स के खड़े होने की जगह है जिसको गुनाह हो के हाथों ने बार बार पकड़ा है और ख़ता की बागों ने उसको जिधर चाह मोड़ा है और शैतान उस पर गाली बा गया है उन असबाब से उसने उन कामों में हद से ज्यादा कमी की जिनका तूने उसको हुक्म दिया था और जिस काम से तूने उसको मना किया था उसको उसने धोखे खा कर कर दिया ये सब कुछ इस तरह किया जैसे वो शख्स ऐसे काम करता है जो अपने ऊपर तेरे कादिर होने को जानता हो गोया वो ये समझा है कि तो उस पर कुदरत नहीं रखता या ऐसे शख्स के ना नाफरमानी की जो तेरे अजीम शान एहसान का इनकार करता हो ताकि यकबैक उस उसके लिए हिदायत की आँख खुली और नाबी नाई के बादल उसके सामने से हट गए उसने अपने नफ्स पर अब तक जो जुल्म किए थे उनको गिना और जो कुछ उसने अपने पालने वाले की फरमानी की थी उसकी बाबत ठंडे दिल से सोचने लगा पहले नादानी की वजह से कुछ नजर न आया था अब उसने अपने बड़े गुनाह को बड़ा देखा और बड़ी मुखालिफत को बड़ा पाया चूंकि अब होश में आ चुका था इसलिए तुझसे शर्मिंदा होकर तेरी तरफ आस लगाकर तेरी ही जानब मुतवज हुआ और तुझ पर भरोसा करके अपनी उम्मीदें तुझसे वाबस्ता कर दी और कामयाबी के यकीन के साथ अपनी आरजू लेकर तेरी बारगाह का इरादा किया और तुझसे डरते हुए इखलास के साथ तेरे आस्था नए जलाल का कस्द किया ये सब कुछ ऐसी हालत में किया कि उसकी तमन्ना तेरे सिवा गैर के ख्याल से खाली है और वो तेरे सिवा किसी और से नहीं डरता सब वो तेरे सामने आजेजी के साथ खड़ा हुआ और इनके सारी की वजह से ज़मीन की तरफ अपनी आंखें झुकाए हुए हैं तेरी इज्जत के सामने निहायत जिल्लत से अपना सर निवड़ाए हुए है और फ़रतनी से अपना वो बेद जिसको तू खुद उससे ज़्यादा जानता है तेरे सामने खोला और अपने वो गुनाह जो पूरे तौर पर तेरे पेशे नज़र थे इनके सारी के साथ शुमार कराए और उस पर बड़ी मुसीबत की फरियाद तेरे सामने लाया जिस मुसीबत में वो गिरफ्तार हो गया जिसको तू खुद ही जानता है और ऐसे बड़े गुनाहों की फरियाद लाया है जिन्होंने उसको तेरे सामने रुसवा किया जिनकी लज्जतें पीठ फिरा कर चल दी और उनके बुरे नतीजे रह गए जो चिमटे हुए हैं, मेरे माबूद, अगर तू तो उस बंदे को अजाब करे तो ये बंदा तेरे अदल से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ये फैसला मुताबिक इंसाफ है और अगर तू उसको माफ फरमा दे और उस पर रहम फरमाए तो तेरे करम को देखते हुए उसको कोई बड़ी बात नहीं समझता क्योंकि तू ऐसा कर्म करने वाला है जिसको बड़े बड़े गुनाह होने बख्श देना कुछ बड़ा नहीं मालूम होता है मेरे मबूद दुआ के बारे में जो हुक्म तूने अपने बंदों को किया है उस हुक्म की इता करता हुआ यानी दुआ मांगता हूँ तेरे मिसकिन नवाज आस्थाने पर हाजिर हुआ हूँ और चूंकि तूने ही अपने फजलो करम से दुआ कबूल करने का वादा किया है लिहाजा उसके पूरा फरमाने की उम्मीद रखता हूँ क्योंकि तू फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारे लिए कबूल करूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा अल्ला सल मोहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल हूँ और मुझसे अपनी मगफिरत के साथ मुलाकात फरमा जैसा कि मैंने बख्शीश की उम्मीद में अपने तमाम गुनाहों को इकरार के साथ तेरी बारगाह में हाज़िरी दी है और मुझे गुनाहों की कत्लगा से सही व सलामत उठा ले इस उम्मीद की वजह से जिस उम्मीद में मैंने अपने आप को तेरे सामने पस्त करके पेश किया है मुझे अपनी पर्दापोशी के दामन में छुपा ले जिस तरह तूने अपनी मेहरबानी से मुझसे बदला लेने में जल्दी न की वरना तोबा की भी नौबत ना आती और बंदा अपने किए को भुगतने लगता है महबूद अपनी फर्मा बरदारी की मबूद अपनी फर्मा बर्दारी मेरी नीयत में कायम रख।, रख और मेरी दानाई को अपनी इबादत में क़त दे और मुझे ऐसे कामों की तोफीक दे जिनसे तू गलतियों के मेल को मुझसे धो डाले और जब तू मुझे मौत दे तो अपनी जिल अपनी मिलत और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब पर मुझे मौत दे ऐ मेर मबूद मैं अपने इस खड़े होने की जगह अपने छोटे बड़े जाहिर व पोशीदा गुना हो और पुरानी और नई लग्जी से तोबा करता हूँ ये तोबा सिर्फ ज़बानी नहीं है बल्कि उस शख्स की तरह तोबा करता हूँ जो उसके बाद नाफरमानी करना कैसा अपने दिल में भी मासियत का ख्याल न लाता हो न आइंदा किसी नाफरमानी का इरादा हो मेरे मबूद अपनी मोहकम किताब क़ुरान मजीद में तूने फरमाया है ज़रूर बिल जरूर तू अपने बंदों की तोबा कबूल फरमाएगा और गुनाहों को माफ कर देगा और यह भी तूने फरमाया कि तोबा करने वालों को तू दोस्त रखता है बस तू अपने वादे के मुताबिक मेरी तोबा कबूल फरमा और जिस तरह तू दरमानदगा नाजामिन हुआ है मेरी को माफ़ फरमा दे और अपनी शर्त के मुताबिक अपनी मोहब्बत मेरे लिए लाजिम कर दे ऐ मेरे मेहरबान परवरदिगार मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी नापसंदीदा बात को दोबारा ना करूँगा और ये भी जिम्मा लेता हूँ कि जिन कामों की तूने मजम्मत की है उनको फिर न करूँगा और आहद करता हूँ कि तेरी तमाम मुखालफत को छोड़ दूंगा अय माबूद, जो कुछ मैंने किया तो उसको खूब जानता है अब अपनी मेहरबानी से जो कुछ तू जानता है उसको माफ कर दे और जो चीज़ें तू पसंद फरमाता है अपनी कुदरत से मुझे उनकी तरफ फेर दे हे मेरे महबूद मुझ पर कुछ वबाल ऐसे है जो मुझे याद है कुछ ऐसे मजल में है जिनको मैं भूल चुका हूँ और वो सबसे सब तेरी न सोने वाली आंख के सामने है और तेरे ऐसे इल्म में महफूज है जहाँ भूल का गुजर नहीं बस जो लोग इसके काबिल है उसको उसका बदला दे और मुझसे उसका बोझ उतार दे और उसका बार मुझसे हल्का कर दे और मुझे इस बात से बचा कि मैं भी वैसा ही करूं खुदाया मैं तेरी हिफाजत तेरी तौफीक के बग़ैर अपनी तोबा पर वफा नहीं कर सकता और तेरे सहारे के बग़ैर गलतियों से नहीं बच सकता लिहाजा तू मुझे पूरी ताकत दे और बुराई से रोकने वाली इस्मत के जरिए से मुझे बुराइयों से महफूज रख है मेरे माबूद हो सकता है कि कोई बंदा तुझसे तोबा करे और वो तेरे नज़दीक तेरे इल्म में गायब में अपनी तोबा का तोड़ने वाला हो और अपने गुनाह व खता में फिर मुबतला हो जाने वाला हो तो मैं तुझी से इस बात से पना मांगता हूँ मेरे माबूद तू मेरी इस तोबा को ऐसी तोबा बना जिसके बाद मैं किसी दूसरी तोबा का मोहताज न हूँ ऐसी तोबा करार दे जो गुज्ता उम्र के साथ गुनाह मिटाने का जरिया हो और आईंदा जिंदगी में मासीत से सलामती का मुजीब हो ऐ मेरे माबूद, मैं तुझसे अपनी नादानी का उजर करता हूँ और अपने बुरे कामों की माफी चाहता हूँ तू मुझे अपनी रहमत के पहलू में ले ले अपनी बख्शीश की वजह से और अपने तफजुल से मुझे अपनी सलामती के पर्दे में छुपा ले मेरे मबूद मेरे दिल के खतरों आँख के इशारों जबान के बयाबानों में से जो कुछ भी तेरे इरादे के खिलाफ है ये तेरी मोहब्बत को दूर करने वाला है मैं हर ऐसी चीज से तोबा करता हूँ ऐसी तोबा जिसकी वजह से तमाम आजा तेरी अकूबतों से बचे रहे और तेरे उस दर्दनाक अजाबों से बचे रहे जिससे सरकस लोग डरते हैं अय मेरे मबूद अपने सामने मेरी तन्हाई और अपने खौफ से मेरे दिल की बेकरारी और अपनी हैबत से मेरे हाथ पाँव के थरथराने पर रहम फरमा हे मेरे पालने वाले मेरे गुनाहों ने तेरे हरी में जलाल में रही की जगह खड़ा कर दिया है बस अगर मैं कुछ न कहूँ तो मेरी तरफ़ से कोई और न बोलेगा और अगर सिफ़ारिश करूँ तो मैं सिफारिश का हक रखने वालों में से नहीं या अल्लाह मोहम्मद वाल मोहम्मद पर रहमत नाज़िल परमा सल मोहम्मद वाल मोहम्मद और अपने कर्म को मेरी खताओं का सिफारिशी बना दे और मेरे गुनाहों को माफ करके मुझ पर फरमा और मुझे वो सजा न दे जिसका मैं सजावार हूँ अपनी बख्शिश का दामन मुझ पर फैला दे और अपने पर्दे में मुझे ढांक दे और मेरे साथ उस मेहरबान साहिब इख्तियार बादशाह सा मामला कर जिसके सामने एक जलील बंदे ने आज की और उसने उस पर रहम किया या जैसे या ऐसे जैसा बर्ताव दौलतमंद जैसा मामला और जिसके सामने एक मोहताज बंदा आया और उसने उसको सर बुलंद कर दिया अरे मेरे माबूद मुझे तुझसे कौन बचा सकता है तेरी इज्जत को चाहिए कि वो मुझे बचा ले कोई तेरी बारगाह में मेरा सिफारिश करने वाला नहीं लिहाजा चाहिए कि तेरा फजल मेरी सिफारिश करे मुझे मेरी गलतियों ने खौफ सदा कर दिया है तेरे अफो को चाहिए मुझे अमन दे दे मेरे परवरदिगार मैंने जो कुछ अपने बुरे काम बयान किए हैं इसलिए नहीं कि तू नहीं जानता ताकि तुझे सुनाऊं न इसलिए कि तू भूल गया है कि तुझको याद दिलाऊं बल्कि सिर्फ इसलिए बयान किया है ताकि आसमान और ज़मीन और उसके रहने वाले मेरी इस शर्मिंदगी को सुन ले जिसे मैंने जाहिर किया है और निहायत अल्तजा से उसका साथ तेरी फैजबा जनाब में तोबा के साथ पनाह ली है और शायद तेरी रहमत की वजह से उनमें से कोई मेरे बुरे क्याम पर तरस खाए या मेरी इस बदहाली पर उसको रहम आ जाए तो वो मेरे वास्ते कोई ऐसी दुआ करे जो तेरे नज़दीक मेरी दुआ से ज्यादा सुनवाई के लायक हो या कोई मेरे लिए ऐसे अंदाज से तेरी बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे जो तेरे नज़दीक खुद मेरी सिफारिश से ज्यादा काबिल कबूल हो ताकि मैं उसकी वजह से तेरे हक बजाने गज़ब से बच सकूँ और तेरी खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाओ ऐ मेरे माबूद अगर शर्मिंदा होना ही तोबा है तो मैं तमाम शर्म करने वालों से ज़्यादा शर्मिंदा होता हूँ और तेरी मुखालफत का छोड़ देना तोबा है तो मैं तोबा करने वाला हूँ तो मैं पहला तोबा करने वाला हूँ और अगर माफी मांगना गुनाहों गुनाह दूर होने का सबब बनता है तो मैं तुझसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ तो खुदाया जिस तरह तूने तोबा का हुक्म दिया है और उसके मान लेने की जिम्मेदारी ली है और दुआ करने पर आमादा किया है और कबूल फरमाने का वादा फरमाया है तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आले आले वसल्लम और मोहम्मद पर रहमत नाजिल परमा सलाम्मद मोहम्मद और मेरी तोबा को कबूल फरमा ले और अपनी रहमत से मायूस करके मुझे वापस न कर तू ही और सिर्फ तू ही गुनेगारों की तोबा का बड़ा कबूल करने वाला है और जो खताकार तेरी बारगाह की तरफ पलटे हैं उन पर रहम करने वाला है खुदाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा अल्ला सल मोहम्मद आल मोहम्मद नाजिलफराज जिस तरह तूने उनके ज़रिए से हमको हिदायत फरमाई है और रहमत फरमा मुहमद सल्ला वसल्लम और उनकी आल पर अल्ला सलिल मोहम्मद वाल मोहम्मद जिस तरह तूने उनके तवसल से हमको गुमराही से नजात दी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसम और आल मोहम्मद पर रहमत नाज़िल नाजिलफरमा सल्ल मोहम्मद वाल मोहम्मद फरज़म जो क़यामत के दिन और एहतियाज के दिन तेरी बारगाह में हमारी सिफारिश करे ज़रूर बिल ज़रूर तू हर चीज़ पर कादिर है और हर शे तेरे नज़दीक आसान है मेरा मतयार हम अल्लाह मसल मोहम्मद मोहम्मद वजह हम